हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मनाली सीरीज़ का ये नेक्स्ट व्लॉग है, जब हम लोग शाम को घूम घूम के थक थक के अपने रिजॉर्ट की तरफ यानी कॉटेजेस की तरफ जा रहे थे। रिजॉर्ट तो नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली एक होम स्टे है। एंड यहाँ पे जो भी था वो मैंने आपको बताई दिया है। और आज के इस व्लॉग में इनकी लग्जरी कॉटेज भी मैं आपको दिखा देने वाली हूँ, जो कि इनका टॉप कैटेगरी रूम है। इसके अलावा इसमें और कोई रूम नहीं है, सभी कैटेगरी हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। तो रास्ते बड़े ही खूबसूरत थे, जिनको क्रॉस करके हम लोग एकदम अंधेरा होते होते यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी रूम में जाएंगे, तैयार होंगे, निकलेंगे मॉल रोड के लिए। आज मिलने वाली हूँ मैं मॉल रोड पे मेरी एक दोस्त को। चलिए भाई, वापस आ गए हम लोग। ये 6 बजे इतना अंधेरा हो गया। 6 बजे कितने बजे हैं? 6 बजे अंधेरा हो गया पूरा। ये हमारे वो प्यारे से कॉटेजेस और ये वो रूम जिसमें आज हम रुके हुए हैं। चलो अभी है 8 से 9 डिग्री, तो भी इतनी ठंड लग रही है। ठंडे ठंडे हो गए। इनके रूम में धावा बोलते हैं। चलो, ये ठंड के बाद हम चंडीगढ़ जाएंगे तो हमें चंडीगढ़ में ठंड नहीं रहेगी। हाँ सच बात है। चलो इनके रूम पे धावा बोलते हैं। नहीं आओ, इनका कोजी सा रूम। हाँ जी बेटा, बता, एसी भी ऑन नहीं है। हाँ जी बेटा, ये हम रील बनाते बनाते गए थे। हाँ। हमारा ट्राइपॉड यहाँ पड़ा है। प्रीशा, हमने रूम थोड़ा ज्यादा फैला दिया हमने। शिट। ओके, तो अभी रात के 7:45 बजे हुए हैं। हम लोग आने के बाद थोड़ा सा बैठे, आराम किया, काजल लगाना है, और उसके बाद में मैं हुई हूँ तैयार। पीछे सामान ऐसे वैसे पड़ा है, माइंड ना करना, फैल गया है। और हम ठीक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कल सुबह ही हमारे यहाँ से फिर से चेकआउट है। मैंने ये पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पता था मुझे बहुत ठंड मिलने वाली है। ये लोग उस रूम में बैठे हैं, प्रीशा भी तैयार हो गई है, मैं अभी आपको उससे मिलवाती हूँ। चलो मैं काजल लगा लूँ। तो मेरा तो लुक हो गया है कम्प्लीट, अब आपको मैं प्रीशा को दिखाती हूँ। प्रीशा भी तैयार हो गई है। बालों को तो ऐसे ही टाई कर लिया है क्योंकि मेरे बाल धुले हुए नहीं है। ये कोट मैंने यहीं के ले लिया था। प्रीशा भी आपको दिखाएगी मेरा पूरा लुक। प्रीशा ने भी कोट पहना है और मैंने भी कोट पहना है। इसमें बताना है कैसी लग रही हूँ। ये जैसा मेरा रेड है ना, सेम उसी का दूसरा कलर है गाइस। सेम ब्रांड, सेम कोट, बस कलर डिफरेंट है। अब तुम पकड़ लो, मैं अपना दिखा दूँ। तो मेरा है ये भी उसी ब्रांड का है, बट ये दूसरा, कम्प्लीटली दूसरा डिजाइन है। यहाँ पे फर है इसमें, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यूट वाला फर है, मेरे में ही फर है। लेकिन और आज मैंने हल्का सा आई मेकअप किया क्योंकि हम मॉल रोड जा रहे हैं ऐसे घूमने। और जो लोग हमें ट्रेन में मिले थे, जिनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, वो लोग भी एक्चुअली मनाली ही आए हैं, तो वो हमें आज मिलने वाले हैं। एक्चुअली आज हम उनके साथ ही रोहतांग जाने वाले थे, लेकिन हम लोग कल बहुत थक गए थे तो हमने तो कैंसिल कर दिया था आज का। तो आज हम उन्हें मॉल रोड पर मिलने वाले हैं क्योंकि कल वो लोग जा रहे हैं वापस, उनका रिटर्न है कल। हाँ, तो चल कुछ फोटो खींच लेते हैं फटाफट। हाँ, चलिए हमने खींचे खूब सारे फोटो, अब चलते हैं बाहर। चश्मा लगाऊं क्या? वैसे जरूरत नहीं है। स्मोकी आइज बनाई मैंने, देखो हल्की सी स्मोकी आइज बनाई है गाइस। आज अच्छी लग रही हूँ। पीछे कितना गंदा दिख रहा है हमारा रूम। प्रीशा, हमने क्या कर डाला है? बाकी का रूम साफ पड़ा है, देखिए पूरा क्लीन पड़ा है, खाली वो एरिया प्रीशा ने बहुत गंदा कर दिया। गंदी बच्ची, प्यारी लग रही है ना ये भी, न्यूड कलर के कोट में, अच्छा लग रहा है। पापा को नहीं, ये वाला कोट सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे भी ये वाला कोट सबसे ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इसको तो न्यूड कलर पसंद है, तो मुझे पता था ये मुझे नहीं लेने देने वाली न्यूड कलर, सो इसने ले लिया। चलो कोई बात नहीं, बच्चों का पहला राइड बनता है हर चीज पे। और हम लोग नागर कैस्टल गए थे, आपने देख ही लिया, बहुत प्यारी जगह है। अगर आप लोग भी यहाँ कहीं विजिट करो तो नागर कैस्टल जरूर जाना है। आप क्या बोलोगी प्रीशा? हाँ, क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही। चले चलो, लेट हो जाएगा। चलो तो बस हम लोग निकल रहे हैं अब मॉल रोड पे, एक दोस्त को मिलना है, गुलाब जामुन खाने हैं। गुलाब जामुन तो बिल्कुल मत भूलना। और ये मेरा पूरा ड्रेसअप, मेरा पर्स, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं भाई अमेज़न से मैंने इसको बाय किया था। तो आज हम बात करेंगे कुछ बालों से रिगार्डिंग, और उसके कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा चेहरा तभी सुंदर लगता है, बालों से हमारे चेहरे की सुंदरता होती है। कोई भी ओकेजन होता है और हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे पूरे लुक्स अच्छे लगते हैं। और आजकल अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो कैरेटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। लेकिन कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद बहुत सी लड़कियों को हेयर फॉल हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि इसके अंदर जो फॉर्मल डिहाइडी केमिकल होता है ना,
उसकी वजह से काफी सारे लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये पहली चीज, ये हेयर फॉलिकल को वीक करता है। सेकेंडली, हाई टेम्परेचर पे बालों को आयरन करने की वजह से जो हमारे बालों में जो प्रोटीन होता है स्कैल्प पे वो डैमेज होता है और जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको करने से हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई होने लग जाती है। तो वैसे केराटिन करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप समझ लो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। तो ये तो हो गई केराटिन की बात। अब इससे जुड़ी मैं आपको एक मिथ बताती हूँ। तो हेयर स्टाइलिस्ट का ये कहना है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट के बाद ऑयल बिल्कुल भी यूज ना करें, लेकिन ये एक मिथ है। रियल फैक्ट है कि 3-4 दिन तक ऑयल और शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, एंड आफ्टर 3-4 वीक्स आपने प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपके बालों को प्रोटीन मिले, आपके बालों को नरिशमेंट मिले। भी कोई भी आप नेचुरल ऑयल यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके बालों को नरिशमेंट तो मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा और आपके बालों को प्रोटीन भी मिलेगा, और जिससे कि आपका जो हेयर लॉस वगैरह है वो भी कम रहेगा और अच्छे से आपके बाल नरिश रहेंगे, सुंदर सिल्की शाइनी भी दिखेंगे। तो गाइज, आप यूज़ करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, बिकॉज ये फॉर्मल डिहाइडी फ्री एंड ये हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये बना है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से और इसमें है विटामिन ए, कैरोटीन्स एंड कैरोटिनॉइड्स जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं एंड हेयर फॉल को रोकते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बालों को यूवी रेज एंड पॉल्यूशन से प्रिवेंट करती हैं। सो आप इसको आफ्टर केराटिन 2-3 वीक्स के बाद यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, देन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा एंड आपका हेयर फॉल 70% तक रिड्यूस होगा एंड इसके रेगुलर यूजेस से हेयर फॉल ना के बराबर हो जाएगा। सो गाइज, अब हेयर फॉल का डर दूर करें एंड केराटीन कराएं विद एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेयर, बिकॉज बालों से ब्यूटी है एंड अपनी ब्यूटी को हमेशा बरकरार रखने के लिए वेट ना करें। जल्दी से ऑर्डर करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल फ्रॉम www.evertynude.com। सो देर किस बात की, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, और ये अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। ऑल्सो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो शाम के टाइम मॉल रोड का माहौल तो कुछ और ही होता है, और जब भी आप मनाली में रुके ना, एवरी इवनिंग आप यहाँ स्पेंड करें, वर्थ है। मतलब आपको लगेगा आपने अपने हॉलिडे को पूरा एंजॉय किया है इफ़ यू आर एट मॉल रोड एट नाइट। यहाँ पे इतना कुछ है घूमने के लिए, बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर रहता है। जी, क्या खाने वाले हो आज? आज इनको फिश खाने का मूड है इनका। इन्हें मॉल रोड की फिश फ्राई करनी है। कितना होगा टेम्परेचर अभी? बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। अगर हम लोग ये कोट बाय करके नहीं लाते ना, तो वाटी लग जाती कसम से। शेरी पंजाब हम लोग हमारे फ्रेंड्स को मिलने वाले हैं, जो ट्रेन में हमारे फ्रेंड्स बन गए थे, वो लोग यहीं आए हुए कहीं पे खाना खा रहे हैं, आपसे मिलना। तो एक्चुअली जो मेरी दोस्त है ना, जब हम लोग सूरत से चंडीगढ़ आ रहे थे ना जिस ट्रेन से, तो आते हुए हमें एक फैमिली मिली थी, बहुत ही प्यारी फैमिली है, वो लोग सूरत के हैं और वो यहाँ मनाली में ही रुके हुए हैं फिलहाल। तो उनसे आज हम मिलने वाले थे, तो बस उन्हीं को हम कब से ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली शेरे पंजाब उन्होंने बोला, यहाँ पे एक मंदिर भी है। देखिए, पहले मंदिर देख लीजिए फिर आगे की बात बताती हूँ। माता जी का बड़ा सुंदर मंदिर है और यहाँ के मंदिर का जो डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है बहुत अलग होता है। बाहर से बिल्कुल वुडन टाइप दिखते हैं और कुछ अलग ही बात होती है यहाँ के मंदिरों में। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई थी वहां पे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि उनको ढूंढ ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि शेरे पंजाब पे वो हैं, लेकिन एक्चुअली शेरे पंजाब नहीं, उन्होंने कोई और नाम बोला था, और हम ढूंढते ढूंढते उनको मॉल रोड पे इतना आगे निकल आए और लास्ट में शेरे पंजाब करके जो रेस्टोरेंट है ना उसके अंदर घुस गए उनको ढूंढते ढूंढते। तो मॉल रोड काफ़ी लंबी है और यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे कैफ़े हैं। आगे मैं कल या परसों जाऊँगी ना, तो आपको एक कैफ़े है यहाँ पे जहाँ पे लाइव म्यूज़िक होता है, वो मैं आपको कल या परसों के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। आगे के व्लॉग्स बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, जिसमें आपको रोहतांग घूमने के लिए मिलने वाला है, चंडीगढ़ में मेरी बहन से मिलने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, ये शेरे पंजाब यहाँ पे था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल पे बोला कि मैं शेरे पंजाब में हूँ, अब हम यहाँ पे आ गए। मतलब हमने दर दर भटके हैं हम उनको ढूंढने के लिए, हम यहाँ पे आए, नीचे ढूंढा,
फर्स्ट फ्लोर पे ढूंढा, वो हमें कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लास्ट में फिर हमने उनको थक थक के कॉल लगाया, भाई हमने तो पूरा होटल छान मारा। तब उन्होंने कुछ शेरे पंजाब से मिलता जुलता एक नाम लिया, वो वहाँ पे थी, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। देखिए ऐसे ही कनेक्शन मिल जाते हैं, जाने अनजाने लोग, सोचा भी नहीं होता कभी जीवन में मिलेंगे, और कभी ऐसे मिल जाते हैं ना लोग, जैसे आज आप और मैं मिल गए हैं, जैसे कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे कनेक्शन में हैं। तो मतलब कहाँ से कनेक्शन बनाता है भगवान, आई रियली डोंट नो। तो ये जो फैमिली है मेरे बहुत करीब आ चुकी है, इनफैक्ट मेरी उनसे फ़ोन पे रेगुलर बातचीत भी होती है। तो फाइनली हम उस होटल में पहुँच गए और मैं आपको दिखाती हूँ, पिंक स्वेटर में देखिए कैप लगा के बैठी हुई है प्रियंका, मेरी दोस्त जो ट्रेन में मेरी दोस्त बन गई थी। बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं नेचर वाइज, और अब हमेशा आप मेरे साथ मेरे हर ओकेज़न पर उन्हें देखोगे। लास्ट में हम आ गए थे गुलाब जामुन खाने, हम उनके होटल पे गए थे, वो लोग इसी यही मॉल रोड पे एक होटल है समीरू करके, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है गाइस। आप लोग कोई अफोर्डेबल स्टे चाहिए हो तो मैं बता देती हूँ, समीरू था उनके होटल का नाम। दिन को कौन सा है रुचि? डे 5 है और हमारे साथ फॉग हिल कॉटेज के ओनर है खेमराज भाई जी, राइट खेमराज जी? जी ये ओनर है और ये है भाई साहब उनके मैनेजर, नाम हीरालाल। मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मनाली में आना हो और हेवन क्या चीज़ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस होटल। ये होटल नहीं, ये घर है, ठीक है? होटल कहना गलत है, इनका नाम है फॉग हिल कॉटेज, मनाली में है और ये है ना मनाली से थोड़ा सा आउटर में है, जहाँ विलेज का नाम क्या है, प्रिनी विलेज में है ये, डोंट फॉरगेट। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, हाँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है और सुंदर प्रॉपर्टी भी है, महिंद्रा है, हाँ हॉलीडे इन है, स्टर्लिंग रिसॉर्ट है, जहाँ क्लब जाता है ना सब भूल जाने का, ये घर है, आपको घर जैसा फीलिंग आएगा। तो आप डोंट फॉरगेट टू कम हियर, प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स। ये आज हमारा है डे 5 और आज हमारी फिर से शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, ये हमारी नई डेस्टिनेशन है। ये है यहाँ का लग्जरी कॉटेज जो कि हमें आज इन लोगों ने दिया है, इसलिए कि आप इसका व्यू देखो, खाली एक दिन रहो, दो दिन दो रात के लिए हम लोग को मिला है ये। हाँ खोलना भैया किचन, इसमें किचन भी इंक्लूडेड है, शो करती हूँ आपको। वैसा ही कॉटेज है जैसे हमारा बेस कॉटेज था, लेकिन ज़्यादा लग्जूरियस है। रात को दिखाऊंगी मैं आपको व्यू, और बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और 2 BHK है ये भी, सेम इंटीरियर है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ड्यू टू द दिस इज़ द हाईएस्ट रूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड इसमें किचन है। तो पूरा लुक देख लीजिए, आपको याद आ गया बेस कॉटेज जैसा ही है, बेस कॉटेज जिसमें हम सबसे पहले दिन रुके थे, लेकिन इसका सीलिंग थोड़ा सा अलग है। देखिए थोड़ा सा व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसका, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा और मॉडर्नाइज लुक और थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल है उससे। और इसके एक दिन का रेंट की बात करूं तो इसका यहां पे स्टोरेज है देखिए साइड पे बीच में, और एक दिन का रेंट मैं आपको बोलूं तो अप्रॉक्सीमेट 9,000 है फॉर 4 पैक्स, यानी 2 BHK कॉटेज का 9,000 है पर डे का, और बेस कॉटेज का इतना नहीं था, वो अफोर्डेबल था काफ़ी। और जो दो रूम थे अलग अलग वो तो बहुत ही अफोर्डेबल थे। ये किचन अभी मैं आपको खुलवा के दिखाती हूँ, चाबी नहीं लग रही थी, वो दूसरी चाबी लेने गए, तो जैसे भैया आते हैं मैं किचन दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पे कुकिंग भी कर सकते हैं, किचन को ओपन करते हैं, भैया ओपन कर रहे हैं, और ये ऐसे दिखती है पूरी किचन, वाओ। यहाँ फ्रिज है, बहुत ही बढ़िया सी किचन है। ओके हाँ कर जी, कैसी लगी कॉटेज? यहाँ मत और देखो पीछे रखने के लिए सामान है, देखो पूरा एरिया दिया है इन लोगों ने रखने के लिए, है ना, काफी बड़ा है ना, मैं रख दूंगी बाद में, कोई बात नहीं। थक गए? हाँ, रूम देखो अपना आके, इधर आओ। अरे वाह, और मेन चीज आपको अभी दिखाती हूँ, पहले आप रूम देख लो। देखो ये इनका इंटीरियर उससे अलग है, बेस कॉटेज से थोड़ा अलग है, इस तरह से दिया हुआ है ये, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने अलग दिया है ना, वैसे दिया है जैसे कॉटेज वाला शेप दिया हुआ है, और ऐसा ही है बाकी। इस साइड में है स्टोरेज, खूब सारी स्टोरेज है, और इधर है एक वर्क डेस्क, और हाँ ये व्यू देख लो विवेक, आपका आना सफल हो जाएगा। सुन रहे हो क्या? ये वाला व्यू देखो जरा, फिर आपको मजा आएगी। देखो ये वाव, ऊपर का इनका ये कितना अच्छा है सीलिंग, खोलो इसे। यार स्विट्जरलैंड लग रहा है ना। हाँ इस व्यू के लिए ही इन लोगों ने हमें ये 2 दिन दिया है।
अच्छा यहाँ घेबू बैठा हुआ है, यहाँ घेबू बैठा है, ये हमारा वाला बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है जिसमें विवेक अभी खड़े हैं, और व्यू देखिएगा इस, क्या बढ़िया व्यू है, उस वाले बेस कॉटेज से भी अच्छा व्यू है। इनके जो लग्जरी कॉटेजेस है ना उसकी खासियत ही है उसका व्यू। और ये है बाजू वाला इनका बेडरूम का बालकनी, ये पूरा कॉटेज मुझे भी इनका ना ये ऊपर का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। ये है पूरी कॉटेज के फोटो, मतलब सॉरी पूरी कॉटेज का लुक। यहाँ टीवी है जो मेरा फेवरेट चीज है, हाँ लेकिन ये बेडरूम में ही देखते हैं। यहाँ वॉच है, ये झूमर, और ये तो आपने देख ही लिया, इस साइड किचन है और जो कि बेस कॉटेज में नहीं थी। एंड ये इनका रूम देखो, चले अपने रूम में गंदा करने, बहुत गंदा करने गए अपना रूम ये अब। और यहाँ से एंट्री होती है हमारे रूम की, मेरा और प्रिशा का रूम, और सेम वही इंटीरियर है जो लाइट्स ऑन कर दिए जाए थोड़े। रात के टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, रात का व्यू अलग ही आएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिन्होंने इस तरह का दिया है ना, व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही कोजी है, फ्लोरिंग वुडन है जिससे कि ठंड ना लगे। और अगेन वही सामान का एरिया, ये इसकी वजह से थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है। ये वर्क डेस्क कैसी लगी आपको कॉटेज? एक नंबर, बेस कॉटेज से ज्यादा अच्छी है ना। ये इनका हाईएस्ट रूम है गाइज, यहाँ का इससे ज्यादा ऊपर रूम कोई नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को जानना था कि ये हॉलीडे मुझे कितने में पड़ा है टोटल, तो मैं आपको बोलूँगी अभी। पहले आप अलमीरा देखो, अलमीरा भी काफ़ी अच्छी दी हुई है, काफ़ी जगह है इसके अंदर, और बाथरूम भी इसका दिखाती हूँ। तो मुझे मतलब आपने देखा ना, 3 nights आई वॉज इन बेस कॉटेज, 1 night आई वॉज इन डीलक्स एंड स्टैंडर्ड रूम, एंड 2 nights आई एम इन दिस लग्जरी कॉटेज आई एम गोना स्टे। तो बाथरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, सभी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, और यहाँ पर मैं हूँ। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल ब्रेकफास्ट के साथ का पैकेज है गाइज, ये मेरा डिनर इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया था। एंड ये मुझे कॉस्ट किया, जिस हिसाब से मैंने रूम कैटेगरी बताया उस हिसाब से 35,000 में मुझे 6 nights पड़ी हैं विद ब्रेकफास्ट। जी हाँ, विद ब्रेकफास्ट तो अच्छा ही है ना, आप क्या बोलोगे। और इसके अलावा कैब जो था मेरा चंडीगढ़ से यहाँ तक का, वो 6 nights का था, 7 days का, तो दैट वॉज 24,000 रुपीज़ प्लस 35,000 रुपीज़, आप लगा लो कितना हुआ। एंड डिनर की कॉस्टिंग अलग से आई होगी, आप समझ ही सकते हो, तो डिनर की कॉस्टिंग होगी अप्रॉक्सीमेट 10,000 समथिंग। 8 दिनों में 7-8 हज़ार तो हमने खर्च करे ही होंगे, ज़्यादा ही करे होंगे, और जस्ट वैसे मैंने ठीक से हिसाब नहीं लगाया, एक आपको रफ आइडिया दे रही हूँ। और इसके अलावा चंडीगढ़ का हमारा 3 night का स्टे, वो भी हमारा 15,000 जैसे में पड़ा विद ब्रेकफास्ट, और डिनर उसमें भी इंक्लूड नहीं था, तो बाहर डिनर का समझ लो आप, आजकल कॉस्टली हो गए हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह भी, 4-5 हज़ार तो आप प्लस कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बोलूँ तो ये 1 lakh समथिंग का ट्रिप हुआ है, सो आप समझ लो कि 1 lakh का ट्रिप मैंने खुद को और मेरे पूरे परिवार को गिफ्ट किया है। जी हाँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, जब इंसान मेहनत करता है तो कभी कभार ऐसी ट्रिप्स एन्जॉय करना उसका अधिकार बनता है, बिकॉज हर एक को रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है, और फैमिली के साथ टाइम बिताने से ज़्यादा अच्छी रिफ़्रेशमेंट अपने बच्चों के साथ, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। लाइफ टाइम के मेमोरेबल मोमेंट्स कैप्चर करना अपने दिल में दिमाग में बहुत अच्छी बात होती है। सबके अलग अलग शौक़ होते हैं, मेरे शौक़ हैं कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूं इस दुनिया को, ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है जीने के लिए, और बहुत ही बड़ी है दूसरों में बुराइयाँ ढूंढने के लिए, तो क्यों ना हम इसे जी लें, है ना। चलिए, व्लॉग लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बात पसंद आई है। लव यू, बाय, टेक केयर।